hello friends welcome to quest for knowledge today we are going to learn inverse nate by gerard manley hopkins this is a poem for the BCom third semester english so let's get started so gerard manley hopkins 1844 to 1889 was born on 28th july 1844 in stratford XX england there is no parallel lit in literary history to the case of G.M. Hopkins, who published nothing in his own lifetime. But after his collected poems were first issued in 1918, they had so deep and wide an influence upon the younger generation, which is still today inexhaustible. ऐसा पहली बार शायद लिटरेचर के इतिहास में हुआ होगा कि इन्होंने अपनी लाइफ टाइम में कोई पोएम्स नहीं पब्लिश की सब कुछ पब्लिश हुआ उनके मौत हो जाने के बाद उनके इस दुनिया से चले जाने के बाद ही गॉड रिकॉग्नाइज्ड फॉर हिज पोएम्स व्हेन पोए एंटर द जेसुड ऑर्डर इन एटीन सिक्सटी एट ही बर्न मोस्ट ऑफ हिज पोएट्री जेसुट ऑर्डर मीन्स शायद कैथोलिक uh, uh, जो उनका रिलीजन है उसमें जब वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं कंप्लीटली तो शायद उस वक्त उन्होंने जब अपने आप को उन्होंने जब ही वन ही टू ट्रांसफॉर्म हिमसेल्फ ऑन दैट टाइम ही बर्न मोस्ट ऑफ हिस पोएट्री ओनली स्मॉल बॉडी ऑफ वर्ड्स दैट ही सेव्ड एट दट टाइम एंड सम पोएम विच वर्ज एंड लेटर टू हिस फ्रेंड रॉबर्ट ब्रिजिस सरवाइव None of them was published during the poet's lifetime and his reputation developed only after 1940s. So that is why this is a kind of a very unique poem. So now, let's get started Inverse uh, ne it ke mani hai, it is a place which is located in Scotland, Scottish Scotland mein jo hai Lomond की जगह में एक विलेज है एक गांव है वहाँ पे सिचुएटेड है इनवर्स नीट ये ऑथर जो हैं वहाँ जाते हैं वहाँ की नेचर से बहुत ही बहुत ही इम्प्रेस uh, हो जाते हैं ही गेट्स फैसिनेटेड विद द नेचर ब्यूटी एंड बिकॉज ऑफ द स्ट्रीम द लेक द वे इट इज़ रनिंग इस नज़ारे को देख उन्होंने ये पोएम लिखी है सो नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग इट So, the poem Inverse Nate is by the Scottish poet poet Gerard Manley Hopkins. Hopkins spent some time as a priest in Glasgow and visited Inverse Need, a village located on the east bank of Loch Lomond in Scotland. And the poem was written by the poet when he visited the place. The poem celebrates the wild and wonders of nature. एंड फोकस ऑन द माउंटेन स्ट्रीम रशिंग डाउन द हिल साइन एंड प्लंगिंग इन टू अ लेक जो हॉपकिन है ये खुदरत से खुदरत के खूबसूरत नज़ारे से देखकर इतने फैसिनेटेड हो जाते हैं और उन्होंने एक काइंड ऑफ अ रिदम से लिखा है जिसे कहते हैं स्प्रंग रिदम यानी कि जो फोकस करता है एक से ज़्यादा स्ट्रॉग बीच के ऊपर एक ही लाइन में स्ट्रॉन्ग बीट्स एक से ज्यादा स्ट्रोंग बीट्स होंगे तो उस तरह की रिदम को कहेंगे स्प्रंग रिदम विच फोकस ऑन द नंबर ऑफ स्ट्रॉन्ग बीट्स और स्ट्रेस इन अ लाइन सो इन द पोएम देर आर फोर स्ट्रोंग बीट इन अ लाइन विच गिव्स बायोंड एंड अपलिफ्टिंग फीलिंग टू द पोएम्स मूवमेंट दिस डार्क समार्स बैक ब्राउन हिज रोल रॉक हाई रोड रोरिंग डाउन in coop and in com the fleas of his form flute and low to the lake falls home to so, darksam darksam burn burn को स्ट्रीम कहते हैं स्कॉटिश इंग्लिश में बर्न को कहेंगे स्ट्रीम darksam यानी कि उसकी जो कलर है वो बहुत ही थोड़ा darksam stream है एंड उसका कलर जो है ब्राउन है horseback ब्राउन है और वो किस तरह से कित क्या स्पीड से वो गिर रहा है इट इज रशिंग डाउन द स्ट्रीम इज लाइक अ हॉर्स गैलपिंग बहुत जितना तेज घोड़ा जो है दौड़ता है उतना तेज जो है वाटर जो है स्ट्रीम ऑल्सो रशिंग डाउन हिज रोल रॉक हाई रोड रोरिंग डाउन यानी कि स्ट्रीम जो है रॉक के जो रोड रॉक से भरा हुआ एक रोड में रोल करता हुआ रश करता हुआ नीचे उतरता हुआ नजर आ रहा है द ऑफ़ हिज फॉर्म। तो यहां पे पोइट कूप का माने है एक छोटी सी जगह में अब जिस तरह से आप देखिए जब लड़कियां जो है अपनी अपने बाल की कंगे करती है कितना कम स्पेस में बाल कितनी आसानी से पार कर जाता है उसी तरह जो है कहते हैं कि पानी जो है इतना कम स्पेस में वो क्या हो रहा है अपने इट इज रशिंग डाउन एंड द फ्लीस ऑफ हिज फॉर्म तो फ्लीस यानी कि जो है एक फैब्रिक की तरह एक सॉफ्ट फैब्रिक की तरह नज़र आ रहा है क्योंकि जितना वो रश होता जा रहा है उतना फोम उतना बुलबुले जो हैं ऊपर आते रह रहे हैं जैसे फ्लूट में किस तरह से लो टू द लेक फॉल्स होम अब फ्लूट को देखिए फ्लूट की जो बांसुरी जो है वो बहुत ही नैरो रोड होती है मन यानी कि बहुत ही तंग जगह होती है फ्लूट में मगर फिर भी म्यूज़िक जो है चारों ओर सुनाई देता है उसी तरह से स्ट्रीम जो है बहुत ही किस तरह बहुत ही नाजुक रॉक्स के रास्ते पार कर कर बहुत ही नैरो वे में आकर बहुत बड़े आलीशान लेक में क्या हो जाता है बस जाता है सो इसी दैट इज़ वाई The poet here is comparing the way of the stream, like a flute, and which goes and meet to the lake, which is means falls home. A wind puff bonnet of foam froth. yani ki jo बुलबुले jo nazar aate hain बुलबुले jo लेक में जिस तरह से स्ट्रीम में जो पानी उत जाता है, so it what happening? It is creating a kind of a froth. यानी के बुलबुले

One is uh, floating. Fawn froth means floating of the lake. Turn and twindles means again he is creating two words. One is turning and windle. Turning and winding is equal to the word becomes twindles. So turn and twindles over the broth. Broth means a liquid or a pool.

लेक बस्टिंग डार्क शेडोज ओवर द लेक जो पहाड़ों की शेडोज है वो लेक में क्या हो रही है नजर आ रही है एंड इट इज अ फेल फ्रोनिंग यानी कि इसमें वो अपनी अपना अपना भी कुछ इमेजिनेशन यहाँ पे बता रहे हैं कि कितना नेचर कितना एक्जोटिक है कितना ब्यूटीफुल है उतना ही उसके अंदर गहराइयाँ भी बहुत है दर्द और दर्द भी बहुत है सो ही इज़ ट्राइंग टू इंफॉर्म आज दैट देर इज़ अ काइंड ऑफ अ डिप्रेशन एंड डार्कनेस एज वेल सो इट राउंड एंड राउंड डिस्पे टू ड्रोनिंग तो आप देख सकते हो कि स्ट्रीम्स में मिडल में किस तरह से पानी जो है राउंड एंड राउंड होकर यूं ही क्या हो जाता है इट गोज टू ड्रोन सो दैट इज व्हाट द पोएट इज हियर ट्राइंग टू एक्सप्लेन इट के नेचर कितना एग्जॉटिक है कितना ब्यूटीफुल है एंड एट द सेम टाइम इट हैज सम डार्कनेस एंड इवन डिप्रेशन डेक्ड विद ड्यू यानी कि डेक्ड मीन टू decked means sprinkled with dew dew means a uh, water drops dappled with dew means yani ki splash or stain because of the water drops are the groins of the braes with the brook treats through सो ग्रोइंस का माने होता है हिल साइड हिल साइड के जो साइड्स होते हैं उसको ग्रोइंस कहते हैं और वहाँ के आसपास का जो जो हरियाली भरा भरी जगह होती है हिल साइड को उसे हम कहेंगे ब्रेज तो उसे ब्रेस uh, कहेंगे एंड एंड ब्रूक ट्रीट थ्रू यानी कि जिस तरह से जो है ब्रूक यानी कि एक छोटी छोटी नहरें जो होती हैं वहाँ वहाँ जो जो छोटे छोटे स्मॉल काइंड ऑफ अ स्ट्रीम व्हेन वी वॉक इन अ स्पेसिफाइड वे जब हमको नज़र आता है उसे हम कहेंगे ब्रूक तो यहाँ पे जो है पोएट ये कहना चाहते हैं कि इट्स डेड टू विद ड्यू यानी कि स्प्रिंकल्ड विद द वाटर ड्रॉप एंड स्टेनड विद द वाटर ड्रॉप द हिल साइड वी हैव वेरी स्मॉल स्ट्रीम्स व्हेनेवर वी वॉक इन अ स्पेसिफाइड वे वेरी हेथ पैक फीचर्स ऑफ फर्न यानी कि जो वहां पे पेड़ पौधे होते हैं वैरी तरह के वायरी फीचर के जो है हीट पैक होते हैं यानी कि एक श्रब है अ काइंड ऑफ अ प्लांट अ काइंड ऑफ अ श्रब एंड फ्लिचर्स ऑफ फन कि एक बहुत फन भी क्या होते हैं एक काटों के जो झाड़ियां होते हैं उसे कहेंगे फ्लिचर्स ऑफ फन एंड द बीड बॉनी ऐश एश यानी कि ट्री और उसमें लगा हुआ बेरीज बीड बीट बॉनी एश सिट ओवर बर्न यानी नहरों में जो है क्या होते हैं बहुत सारे बहुत ही खुशनुमा बहुत ही बहुत सारे पेड़ पौधे और बहुत सारे बेरीज वाले जो पेड़ होते हैं वो सब लगे हुए हो होते हैं सो नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू अनदर पारा वॉट उड द वर्ल्ड बी वांट बी रेफ्ट यानी कि अगर हम इतनी इस खूबसूरती से इस कुदरत से ये बहुत सा ये जो नज़ारे हैं इससे अगर हम डिप्राइव हो जाएंगे तो क्या होगा किस तरह से हम ये दुनिया नज़र आएगी वॉट उड द वर्ल्ड बी वंट्स बी रेफ्ट बी रेफ्ट मीन्स टू बी डिप्राइव्ड ऑफ वेट एंड वाइल्डनेस लेट दैम बी लेफ्ट आप यहाँ पर पोए पोएट ये कहना चाहते हैं कि लेट्स कंजर्व दिस this wi wet and wilderness forever let them be left let not pollute this nature and let let this let them be left unpolluted forever let this beauty be forever ओ लेट देम बी लेफ्ट वाइल्डनेस एंड वेट ये जो खूबसूरती है, है ये जो वाइल्डनेस है ये जो वेटनेस है ये हमेशा कायम रहे लाइक दैट द पोएट इज डिस्क्राइबिंग हिज इमोशंस लॉन्ग लिव द वीड्स एंड द वाइल्डरनेस येट वीड्स वीड्स यानी कि अनवांटेड प्लांट्स श्रब्स जो कि अपने आप में आ जाते हैं उसको कहते हैं वीड्स एंड इसीलिए पोएम कहते हैं लेट देम बी लॉन्ग लिव द वीड्स एंड द वल्डरनेस येट आई होप यू हैव अंडरस्टूड लेट्स गो थ्रू विद द समरी तो पहली बात तो ये है कि ये जो है स्कॉटिश पोएट गैंडली होपकिस इनकी जिंदगी में ये पोएम पब्लिश नहीं हुआ है ही गॉट टू बी रिकगनाइज ओनली आफ्टर हिज डेथ इन दू इन नाइनटीन एटीन एंड वैन ही वर्स ने प्लेस विच लाइज इन लॉचमॉन्ट

कि किस तरह से स्ट्रीम नज़र आता है किस तरह से वो क्या कलर का है किस तरह की स्पीड है उसकी इट्स लाइक अ हॉर्स हॉर्स की जैसे हॉर्स गैलप करता है उस तरह की उसकी स्पीड है तो पहला पैरा में तो वो बिल्कुल स्ट्रीम की तारीफ़ करते हैं उसकी कलर वो डिस्क्राइब करते हैं सेकेंड पैरा ही इज़ डिस्क्राइबिंग अबाउट द मूवमेंट ऑफ स्ट्रीम कि वो किस तरह से एक हैट uh, सो so, एक लेडी की हैट की तरह महसूस होता है किस तरह से बबल्स फ्रॉथ एंड फोम पैदा होता है लाइक like दैट वो डिस्क्राइब करते हैं थर्ड पैरा में वो डिस्क्राइब करते हैं कि नेचर कितना एग्जॉटिक और कितना ब्यूटीफुल है उतना ही ही डिस्क्राइब्स अबाउट द डार्कनेस एंड डिप्रेशन एज वेल एंड लास्टली ही इज़ एक्सप्रेसिंग हिज डिज़ायर टू कंजर्व द नेचर सो दैट इज़ दिस स्टोरी I mean, this poem is all about, and uh, Gerard Manley Hopkins is a true nature lover and a nature poet, and uh, that is why this poem is very unique. because it, uh, he has described the nature in a very unique way, describing the beauty of the stream, describing how it it is moving in the rocks, uh, road, and as well as it has a beauty as well. It has the darkness. So that is all about. Thank you very much. If you do like my video, please like, share, and subscribe. Thank you very much.